दोस्तों टीम इंडिया 11 अक्टूबर को होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रैक्टिस में जुटी है। इस बीच शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, इसको पढ़कर भारतीय फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे। बता दें कि शुभमन गिल डेंगू के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच नहीं खेल पाए थे। अब एक अच्छी खबर सामने आई है, डेंगू से जूझ रहे भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के प्लेटलेट 1 लाख से नीचे गिरने के कारण उन्हें चेन्नई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और हो सकता है कि अफगानिस्तान के साथ होने वाले मैच को वह खेल पाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल के आने से और मजबूत हो जाएगी टीम? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों।